हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 5 ब्लॉक नंबर 23 योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विदुर सिक्रेन। स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन फाइंडिंग मेन आइडियाज ऑफ द स्टोरी हेल्प इन समराइजिंग इट एंड मेकिंग लॉजिकल प्रेडिक्शंस अबाउट इट्स कैरेक्टर एंड प्लॉट। अब ये स्टोरी है विदुर सिक्रेन, तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को कि क्या है विदुर का सीक्रेट और समझते हैं। द रोड इन टू द सी स्ट्रीट गॉट वर्स एंड वर्स। बाय द टाइम विजिटर्स ड्रो अप to the house, they would be holding on to the window frames or the dashboard to keep them from rattling right off the seats of their jeep. Yes, it would have to be a jeep because no other car would could travel on that road. मतलब वो रोड पे कार ट्रैवल ही नहीं कर सकती थी, वो जीप थी। Everyone who visited Vidur and his family at Kademalai estate gasped at how beautiful it was. तो कादेमलाई में जो भी उसको विजिट करता था वो हमेशा सोचता था कि ये कितना सुंदर है। हाउएवर आफ्टर वन नाइट इन द लोनली बंगलो नेस्लिंग इन वैली सराउंडेड बाय टी बुशेस ऑन वन साइड एंड द फॉरेस्ट ऑन द अदर, दे यूजुअली वांटेड टू पैक देयर बैग्स एंड लीव। देयर वॉज नो टेलीविजन एट नाइट एंड मोस्ट सिटी किड्स फाउंड द साउंड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्राइटनिंग। व्हाट वॉज दैट वार्निंग? दे वुड पैनिक हडल्ड टुगेदर अंडर द थिक ब्लैंकेट्स। तो बहुत सारे जो सिटी के बच्चे हैं उन्हें वो सब वातावरण जो है वहाँ का वो बहुत डरावना लगता था, क्योंकि वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी रात के समय में, और एक साइड में तो पूरे टी बुशेस थे और एक साइड में घना जंगल था। इस तरह से वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, मतलब वो डेंजरस लगती थी बच्चों को, और वो ब्लैंकेट के नीचे छुप जाते थे। इट डिडेंट हेल्प दैट व्हेन दे वोक अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट इनटू द गार्डन, विदुर वुड पॉइंट टू वेरियस ड्रॉपिंग्स एंड प्लेट्स ऑन द लॉन। ओ, द पैंथर हैड बीन हियर लास्ट नाइट, ही वुड टेल अ लार्ज कजिन फ्रॉम मुंबई, दोज लुक लाइक द ड्रॉपिंग्स ऑफ अ पैंथर। Words like that could turn 12 cousins into meek mice who only wanted to stay indoors. तो इस तरह से जो है वो विदुर का घर था। अब देखते हैं, विदुर न्यू ऑफ नो अदर होम, ही हैड स्पेंट ऑल हीज लाइफ इन कादेमलाई, लविंग द साइट एंड साउंड ऑफ द फॉरेस्ट बिहाइंड द हाउस दैट वेंट ऑल द वे अप एंड ओवर द हिल। He would seen a porcupine there last week and he knew that often panthers went silently past his house in the night, especially on days when the cook had made mutton fry. He believed that his family lived happily in the company of animals. तो विदुर को ये मालूम था बात कि पैंथर वहाँ से निकलते थे रात के समय। However, that was only till a लासा अप्सो पपी मूव्ड इनटू द हाउस, विदुर नेम्ड हिम बोची। ही वाज वरीड दैट बोची वुड स्नीक ऑफ इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट अ पर्क्यूपाइन क्विल इन हिज आई। ही वाज टेरिफाइड दैट द इवर हंग्री डॉग वुड किल वन ऑफ द रैबिट्स एंड स्क्विरल्स दैट लिव्ड सो हैप्पीली अराउंड द वेजिटेबल गार्डन। उसको ये मालूम था कि पैंथर रात में वहां से निकलते हैं। उसने पर्क्यूपाइन देखा था लास्ट वीक में वहाँ से गुजरता हुआ, और ही वॉज एक्सट्रीमली अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था कि हंग्री डॉग रैबिट्स को या स्क्विरल को मार सकता है। नो, ही वॉज एब्सोल्युटली फिल्ड विद टेरर, ही वॉज एब्सोल्युटली फिल्ड विद टेरर व्हेन द रूमर्स स्प्रेड दैट अ ब्लैक पैंथर हैड मूव्ड इनटू अ वैली। ऑफन व्हेन दीज एनिमल्स बिकेम ओल्ड और were very hungry, they moved closer to the estate feeding of dogs. In fact, many people called them dog panthers. तो ये जो गांव में रूमर फैली थी, अफवाह फैली थी, स्टोरीज फैली थी पीपल के वजह से कि ब्लैक पैंथर जो है वो गांव में घूम रहा है, डॉग पैंथर। और बोची विद अ पैंथर इन द वैली, बोची वॉज नॉट द काइंड ऑफ अ डॉग दैट वुड बी हैप्पी बींग टाइड अप और केप्ट इनडोर्स। Days passed and the tea pluckers who walked past on their way homes always had reports about the panther it had been seen near the workshop.
The previous night it was heard whimpering near the cattle shed of the school headmaster, yet no dogs disappeared, nor were any cattle attacked. That was a mystery. तो पैंथर पास होने के बाद भी एक भी एनिमल पे अटैक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी सोचने की बात थी बच्चों। तो इस तरह से ये लेसन है।